हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। टुडे वी विल बी डीलिंग क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी सेक्शन, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल गेट टू नो अबाउट साइज एंड लोकेशन ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज अचीव्ड progress last 5 decades in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. India has contributed in the world history. जो हमारी इंडिया का सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में, वो बहुत ही पुराना था और इंडिया ने अचीव की थी प्रोग्रेस लास्ट 5 डीकेड्स में, और उन्होंने और भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स थे जहाँ पे प्रोग्रेस अचीव की थी, दैट इज़ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, जिनके थ्रू उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हमारे इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था। तो वी गेट टू नो अबाउट इंडिया लोकेशन, बेसिक डिटेल पढ़ेंगे कि साइज़ कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और उसकी सिग्निफिकेंस को समझते हैं इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर में। इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8°4' एंड 37°6' एन and longitude 68°7' and 97°25'E. We will get to know about India's location. India की location क्या है, कौन सी चीज़ उसे influence करती है, location के basis पे वो हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने Google map तो देखे ही होंगे और use भी करते हैं अभी अभी। तो गूगल मैप किसी भी थिंग के बारे में एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता करनी है तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे ही पता कर सकते हैं। इट्स लाइक अ स्केल ऑफ अ पोजीशनिंग ऑफ समथिंग। अब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ते हैं, पर उससे पहले हम बेसिकली थोड़ा ग्लैंस कर लेते हैं हेमिस्फीयर के बारे में। तो बेसिकली जो हमारा अर्थ है वो स्पेरिकल इन शेप है, या उसे हम जॉइड कह देते हैं, नॉट परफेक्ट सर्कल, उसको हम परफेक्ट सर्कल नहीं बता सकते हमारे अर्थ को। तो वो जो हमारा अर्थ टू हाफ्स में डिवाइडेड है, जो अपर का पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। लॉन्गिट्यूड लाइंस एंड लैटिट्यूड लाइंस। लॉन्गिट्यूड लाइंस, जो लाइंस लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड लाइंस है, और जो स्लीपिंग लाइंस है, लेटी हुई लाइंस है, उनको हम लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। लॉन्ग लाइंस वर्टिकल है और वो हॉरिजॉन्टल है। तो अभी हमने देखा कि हमारा अर्थ जॉइंट शेप का है, नॉन परफेक्ट सर्कल है, और वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो हमारा इंडिया है वो लाए करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और ये जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है ये एक इमेजिनरी लाइंस है। एग्जैक्ट ये हम इनको नहीं बोल सकते कि यह एग्जिट करती है या 0°, हम इन्हें इमेजिन करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाए करता है, जो अगर हम ये जो हमारा फिगर 1.3 है उसमें आप देखेंगे 8°4' डाउन स्टेयर्स से लेके 37°6', ये हमारा लेटीट्यूड है, और 68°7' से लेके 98°25' तक ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23°30' and divide the country into almost two equal parts. 3 ही है
जो जिन्हें नाम स्पेसिफिक दिया है, बाकी किसी को नाम नहीं दिया है। एक तो इक्वेटर है जो हमारे अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करा है 0 डिग्री से। एक हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, एक हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन सदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसका जो डिग्री है वो 23 डिग्री है। ये सेंट्रल पार्ट से अर्थ को क्या करता है, डिवाइड करता है। और बेसिकली ये कुछ स्टेट्स से गो थ्रू होके जाता है। वो जो स्टेट्स हैं वो है गुजरात, राजस्थान का कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। द मेनलैंड लाइज दी अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। अब हम बात करते हैं आइलैंड्स की। तो हमारे यहाँ पे आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है वो साउथ वेस्ट में है। आपने वाटर बॉडी देखी होगी अरेबियन सी वहाँ पे। और दूसरा है अंडमान निकोबार, वो बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्ट में लाए करता है। तो ये सब तो हमने इंडिया की लोकेशन के बारे में देख लिया। लेट्स सी द साइज ऑफ आर कंट्री, दैट इज इंडिया। द लैंड मासेस ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारे इंडिया का जो लैंड एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पूरे वर्ल्ड में है 2.4%। नाउ इंडिया इज़ दी सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दी वर्ल्ड एंड हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर। इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। उससे पहले जो सिक्स कंट्रीज़ हैं वो है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया है। और लैंड बाउंड्रीज़ में भी अगर हम देखें तो 15,200 किलोमीटर हमारे इंडिया का लैंड बाउंड्रीज़ है। उसके बाद जो लेंथ है कोस्टल लाइन की, जिसमें अंडमान और निकोबार भी इंक्लूड है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब कोस्टल लाइंस वो लाइंस होती है जो वाटर बॉडीज से सराउंडेड की जाती है, उसको हम कोस्टल लाइन कहते हैं। उसमें हमारा अरेबियन सी में लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार का भी जो एरिया है उसको भी इंक्लूड किया गया है। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यांगफोल माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। जो इंडिया है वो नॉर्थ पोर्शन पूरा हिमालयाज माउंटेन उन्हीं पे लाए करता है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन टू टैपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशन एंड डिवाइडेड इंटू टू सी, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। उसके बाद वो जो हमारा इंडिया की लैंड बाउंड्रीज नीचे साउथ की तरफ जाते वक्त 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में टैपर होना शुरू हो जाती है। टैपर मतलब कोनिकल शेप आ जाता है उसका। और वो जब कोनिकल शेप आता है और वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है, इंडियन ओशन के तक। और इंडियन ओशन में जब वो टैपर होके एक्सटेंड करती है तो वो क्या करती है, सीज़ को टू पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक अरेबियन सी हो जाता है, एक बे ऑफ बंगाल हो जाता है। अरेबियन सी वेस्ट में लाइज करता है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। अरेबियन सी में हमारा कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ मेनलैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड होती है, जैसे ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, होते ये बिल्कुल एक जैसे ही हैं, एक ही एक्सटेंड पे होते हैं 30 डिग्रीज़ पे। पर
और कई बार हमें ऐसा लगता है कि इनमें कोई डिफरेंसेस वगैरह है. ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड. गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स. स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिंग थ्रू मिर्जापुर इज टेकन अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. अब हम लोकेशन को टाइम के साथ कोरिलेट करते हैं कि किस तरीके से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का टाइम एक जैसा होना चाहिए. पर कई बार क्या होता है, अर्थ अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करता है, तो जो सनशाइन है वो 30 डिग्री पे पड़ती है, पर कई बार दूसरी तरफ जब पड़ती है तो 2 आवर्स का उसमें डिफरेंसेस आ ही जाता है. तो जनरली 10 डिग्री पे 4 मिनट लैग पे 116 मिनट का डिफरेंस टाइम पे आता है. तो इस टाइम का डिफरेंस को दूर करने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं, जो पास होती है मिर्ज़ापुर से उत्तर प्रदेश में. तो उस पॉइंट पे जो टाइम होता था, फिर उसी टाइम को स्टैंडर्ड टाइम लेते हुए सारे वर्ल्ड में वही टाइम बता दिया जाता था. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होता था वही ड्यूरेशन कराता था डे और नाइट का. इंडिया एंड द वर्ल्ड. इंडिया लैंड मासेस हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. इंडियन लैंड मासेस का जो सेंट्रल लोकेशन है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है, क्योंकि इंडिया लाए करता है साउथ टूअर्ड एशियन कॉन्टिनेंट पे, जिसके थ्रू जो कनेक्टिविटी है ट्रांस इंडियन ओशन रूट, इंडियन ओशन रूट से कनेक्टिविटी बनी हुई रहती है. जो डेक्कन पेनिनसुला प्रोक्यूड्स इनटू द इंडियन ओशन, प्रोवाइडिंग लॉन्ग कोस्टल लाइन इन दिस रीजन दैट्स हेल्प्स टू स्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड ईस्ट एशिया. जिस तरीके से डेकन पेनिनसुला प्रोड्यूस्ड हुआ इंडियन ओशन में, तो तब लॉन्ग कोस्टल लाइन प्रोवाइड हुई उस रीजन में और काफ़ी हेल्प मिली स्टेब्लिशमेंट करने में क्लोज रिलेशनशिप विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड ईस्ट एशिया. तो इन सारी कंट्रीज़ के साथ अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ. इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद वर्ल्ड हैव कंटिन्यू थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरिटाइम कॉन्टैक्ट. अब पहले मरीन कोस्टल एरिया, कोस्टल लाइन के थ्रू ट्रेड होता था. उससे भी पहले जब कोस्टल लाइन नहीं थी तब भी तो हम ट्रेड करते थे, और वो ट्रेड पॉसिबल था लैंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. हम लैंड के थ्रू भी बहुत अच्छे तरीके से अर्लियर टाइम में ट्रेड करते थे. पहले जब ओशंस में ट्रेड करने के लिए रेस्ट्रिक्शन था, तो उससे पहले हम लोग लैंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही, लैंड से ही ट्रेड करते थे. दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटी. ये जो रूट्स थे इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया आइडियाज़ और कमोडिटी में. तो सपोज़ हम लोग एक दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे क्या है, हमारे साथ साथ हमारे आइडियाज़ जाते हैं, हमारे हैबिट्स जाते हैं, हमारी कॉमोडिटीज़ जाते हैं. हम उन चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो
ट्रेड या बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरीके से होने लग जाता है और चीज़ें एक्सचेंज होने लग जाती है। तो हमने द स्पाइसेस मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज व टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। हमारी होली बुक हुई, स्पाइसेस हुए, मुस्लिम और दूसरे भी मर्चेंडाइज थे जो इंडिया से दूसरी कंट्री के पास जाते थे। और जो हमारे से बहुत सारी आर्किटेक्चुअल स्टाइल और जो डॉम वगैरह के स्टाइल्स है वो हमारे से ही दूसरे कंट्रीज़ में कॉपी हुई थी और उन्हें पसंद भी किया गया था। India's neighbors. India occupy a strategic position in South Asia. It has 28 state and 9 union territories. India ने बहुत ही strategic position occupy की है South Asia में, और India में 28 state और 9 union territories है. India share its land boundary with Pakistan and Afghanistan in northwest, China, Nepal, Bhutan in north. India ने अपनी land boundaries को share किया Pakistan और Afghanistan के साथ northwest में, और China, Nepal, Bhutan के साथ share की land north में. Myanmar and Bangladesh in east, southern neighboring consist of two island country, Sri Lanka and Maldives. North के साथ तो उन्होंने अपने neighboring countries के साथ land share की थी, south में भी उन्होंने की थी southern neighbors के साथ, वो थे two island country, एक तो श्रीलंका थी और दूसरी थी मालदीव्स। जो श्रीलंका थी वो सेपरेटेड हो गई थी इंडिया से बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय गल्फ ऑफ म्यांमार, एंड मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। इंडिया हैज had strong geographical historical link with neighbors. India ka bahut hi strong geographical historical link tha apne neighbors or neighboring countries ke sath.